हे गुड मॉर्निंग कावल रिपब्लिक, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबको हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी बज चुके हैं 11, तो जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। राजेश अभी तक सो रहा है, ये आज खेत के पास भागा था सुबह सुबह। हैप्पी दिवाली, आज सुबह सुबह बाहर जाके मजा आ गया, भले ही थोड़ी मार पड़ी पर मुझे तो फुल मजा आया। तो अब हमारे लिए पोहा तैयार होने वाला है जल्द। खाना इधर क्या दिखता है? तो फिलहाल चल रहा था लाइट बिल का हिसाब, जो करना पड़ता है हर 2 महीने में जब भी लाइट बिल आता है। वो हर बार वैसे राजेश करता है, पर इस बार राजेश मेरे को सिखा रहा है, क्योंकि इस बार काफी लेट हो गया लाइट बिल का कैलकुलेशन करने में। उसको ऐसे यूजुअली टाइम नहीं मिलता, तो वो मेरे को सिखा रहा है। राजेश अभी क्या हुआ तुझे बताए? अभी क्या हुआ? मैं तेरे को पानी लाने बोला। तो अभी क्या हुआ, पापा के फ्रेंड्स आए थे, वो लोग जिस पर्पज से आए थे वो काम करना भूल गए और वो ऐसे ही चले गए। किस पर्पज से आए थे? वो लोग एक्चुअली मिठाई देने आए थे और वो मिठाई देना ही भूल गए। तो अभी उन्होंने पापा को फोन किया और उन्होंने बुलाया एक लोकेशन पे, लैंडमार्क पे। पापा को बुलाया? हाँ, वैसे पापा को जाना ही था कार वॉश करवाने के लिए। सुनी, जब पापा मिठाई लेके आए तो मुझे उठा देना, मैं खा लूंगा, ठीक है? वैसे वो मिठाई सबसे ज्यादा राजेश खाता है, मैं पूरी लाइनें उड़ाता हूँ उसकी। तुम लोग टेंशन मत लो, इस बार मैं गड्डी गड्डी खाऊंगा और तुम लोग एक एक खाना, ठीक है? इसको बांधो, इसको एक भी मिठाई नहीं देंगे हम लोग। ज्यादा होशियारी मत बता, तेरे को तो अभी काटता हूँ, रुक, दिवाली का गिफ्ट देता हूँ। अभी नीचे मैं उनको मेहमान नवाजी कर रहा था जब ये लोग खेल रहे थे, और अब मुझे खेलने नहीं मिल रहा है। चलो एक ग्लास। इनको हराए बिना मुझे चैन कैसे आएगा? मिनी मिलिशा खेलते खेलते जब भी किल हो रही थी तो इतना चिल्लाया, अब गले में दर्द हो रहा है। तो अपनी खिचड़ी बन चुकी है, मेरा भी लंच हो चुका है। यही स्माइल के लिए तो कैमरा तेरे पास किया था। तो फिलहाल हम एक्सेस को साफ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। तो धोने के पहले देख ली आपने गाड़ी कैसी है, अब हम इसे धोएंगे और धोने के बाद बताएंगे कि कैसी हो जाएगी। तो एक्सेस साफ करने के डायरेक्ट बाद हम दोनों वॉक पे आ चुके हैं। हम दोनों तो जैसे ही हम लोग बाहर आए, वहाँ एक कुत्ते का, छोटा बच्चा तो नहीं बोल सकते, मतलब 6-1 महीने का कुत्ता था, उस पर क्या अटैक किया रॉकी ने। राहुल बौखला गया उसको देख के, पर मैंने उसको बोला ये नॉर्मल है भाई इसका। मेरे को थोड़े नाखून भी लग गए उसके हाथ पे, देखो यहाँ पे हाथ पे लग गए। ये तो पुराना है, अभी जो लगे वो सब लाल लाल है। दिवाली वाइब्स। ओके मम्मी, मम्मी बोल रही है कि ऊपर के लाइट वाइट बंद कर देना, दिए भी चेक कर लेना। तो गाइज आज का दिन ख़त्म होता है, अभी दिवाली की सब जगह चेक बैक और घूम भड़ाका चल रहा है। जब टेरेस पे जाके देखा तो हर जगह रॉकेट सुई 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 ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग ने पर्सनली ये चीज़ कुछ 5-6 सालों से बंद कर दी है। कितने सालों से? 5-6 साल। 5-6 साल जब से हम लोग को थोड़ी अकल आई है, तो हम लोग ने पटाखे वटाखे चलाना बंद कर दिया। और जो लास्ट के 1-2 साल हम लोग ने पटाखे चलाए थे ना, वो बस ऐसे ही कि चलो जला लेते हैं, ऐसे करके जलाए थे। और वो ऐसे कुछ नहीं किया था डिसाइड करके कि अब हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, प्रदूषण होता है, ऐसा सब कुछ सोच के नहीं किया था।
अंदर से ही नहीं आता था कि हमें पटाखे जलाने हैं। बहुत ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बन रहे थे उस टाइम पे। अभी भले ही हम लोग ज्ञान देने के लिए लोगों को बोल सकते हैं कि ठीक है हम लोग नहीं जलाते और एनवायरमेंट भी कुछ खराब नहीं होता उससे, पर ठीक है पॉल्यूशन वाली चीज तो छोड़ ही देते एक बार के लिए। आवाजें और खतरा जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है हमारे लिए भी और जो हमारे आजू बाजू जो जिंदगियां रहती हैं उनके लिए भी। और अभी हमारे पास कुत्ता है तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा पता चलता है, क्योंकि जब कोई भी आवाज़ छोटी सी आवाज़ आती है, मतलब कोई ऐसे चूहा अगर घर के बाहर से ऐसे गया है ना तो कुत्ते को पता चल जाता है। तो सोचो जब एक पटाखा फटता होगा तो उसको किस इंटेंसिटी से सुनाई देता होगा, 10 गुना ज्यादा जोर से उसको। अपन को कोई भी अभी अगर मैं बोल रहा हूँ ना कोई चीज़, सनी को जितनी जोर से सुनाई देगी ना रॉकी को 10 टाइम्स ज्यादा जोर से वो चीज़ सुनाई देती है। तो फिर पटाखे की आवाज़ सोचो अपने ही का अगर कान फाड़ देगी तो कुत्ते लोग का क्या होता होगा। और वो तो घर में है, रॉकी घर के अंदर है, बाहर जो कुत्ते हैं उनका क्या होता होगा, जो ऊपर उड़ने वाले प्राणी हैं उनका क्या होता होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी समझ आती हैं। पर एनीवेज बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा शौक होता है, हमारे भी गली में बहुत सारे बच्चे हैं। पर ओवर टाइम जैसे हम लोग ने बंद किया पटाखे जलाना तो वैसा सबके साथ हो जाना चाहिए। ये गेम डाउनलोड किया है, कौन सा गेम है बताऊं राजेश? तो ये गेम है रियल क्रिकेट 3D, 500-600 MB का गेम है, आज हमने डाउनलोड किया। राहुल मेरे को काफी दिनों से बोल रहा था क्योंकि इसमें जो टेस्ट मैच होता है ना वो हम खेलते हैं। नहीं तूने ले, मेरे को दिखा तो सही कैसा है उसका आइकन। तो इतना मजा आता है ना ये सब गेम खेलने में, जब राहुल आता है तभी हम गेम खेलते हैं क्योंकि उसका मोबाइल काफी अच्छा है गेम खेलने के लिए। क्योंकि राजेश के मोबाइल में सिर्फ एडिटिंग होती है और ये जो फोन जिससे शूट कर रहे हैं उसमें सिर्फ वीडियो शूट होता है टू बी ऑनेस्ट, और उसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो राहुल के फोन में हम काफी दुरुपयोग करते हैं राहुल के फोन का, फ्री फायर ऐसे वेकेशन होता है ये, कि ठीक है इसका फोन आया तो इसमें खेलता है। तो हो सकती है हमारे दोनों खुद के फोन में भी है, पर करते नहीं है, बस नहीं करना है ऐसा, कभी दिमाग में ही नहीं आता उस उन फोनों में करने के लिए। हम लोग सिर्फ मिनी मिलिशिया खेलते हैं सनी और मैं, वो भी कभी कभी, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। नहीं मिलता है, आज दोपहर को खेले थे हम तीनों तो काफी मजा आई थी, मैंने इनको मारा था बहुत। चलो एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। हमारे फैमिली की तरफ से आप सबकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, होपफुली आप बहुत ही खुश हो और नया साल आपके लिए और ज्यादा खुशियां लेके आए और जो भी आपके जिंदगी में कठिनाई हो वो दूर हो जाए, आप हर चीज में जीत जाए। होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हम लोग मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए पीस आउट।